नमस्कार दोस्तों सो so फ्रेंड्स एक बार फिर से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज कर दी गई रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है अलग अलग पोस्ट इसमें आप पर शामिल की गई इसमें दोस्तों स्टाफ इस नर्सेस के लिए वैकेंसी यहाँ पर आएंगी साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है फार्मेसिस्ट की पोस्ट भी इसमें यहाँ पर रहेंगी लोअर डिवीज़न क्लर्क तो एल की पोस्ट भी इसमें यहाँ पर आ चुकी है मल्टी स्टाफ और भी अन्य पद इसमें यहाँ पर शामिल कर लिए गए नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो बताना चाहता हूँ सत्तर से ज़्यादा पदों को इसमें यहाँ पे शामिल कर लिया गया दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे रहेगी आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से ऑल इंडिया कैंडिडेट इन वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो और इसके लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें ये जो वैकेंसीज़ यहाँ पे जो रिलीज़ की गई लिखा हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की तरफ से यह नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जारी कर दिया गया और ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी गई तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधे से बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी इसमें शामिल की गई तो उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे जूम कर दिया तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो थर्ड नंबर की जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट तो ये पैरामेडिकल के पद हैं लेवल पाँच इसमें आपको सैलरी तय की गई और इसमें देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर जो रहेंगी स्टाफ नर्स के लिए है फार्मेसिस्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए रेडियोग्राफर के लिए तो यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के कितने पद हैं तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एक मेल कैंडिडेट के लिए और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए तो दो पद इसमें शामिल किए गए इसके बाद लैब टेक्नीशियन का देखें तो लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है इसमें इसके बाद फार्मासिस्ट का भी देखें इसमें देखिए फार्मासिस्ट के दो पद हैं फिजियोथेरेपिस्ट का भी देखें इसमें यहाँ पे देखिए एक पद है और रेडियोग्राफर का भी देखें तो इसमें भी एक पद यहाँ पे शामिल किया गया तो पैरामेडिकल के कुल मिला के सात पद इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए इसके लिए एज लिमिट भी आपको यहाँ पे बता दी गई तो 21 वर्ष से 30 वर्ष वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इसमें दोस्तों कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं कि यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है सिंपल आप लोग टेंथ क्लास पास हैं ट्वेल्थ क्लास पास है तो भी इन वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे तो उसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के पांच पद इसमें यहाँ पे शामिल कर लिए गए इसके बाद देखिए नाइन्थ नंबर की पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ तो मल्टी टास्किंग स्टाफ के सबसे ज़्यादा पद हैं बाईस पद इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए और भी इसमें यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट भी है स्टेनोग्राफर ग्रेड टू सिक्स नंबर की ये जो पोस्ट है इसमें एक पद यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया स्टोर कीपर की पोस्ट भी आ चुकी है इसमें दो पद हैं और ऑर्डिनरी यहाँ पे ड्राइवर तो ड्राइवर की पोस्ट भी इसमें है इसमें और ड्राइवर के चार पद यहाँ पे शामिल यहाँ पे कर लिए गए फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी है और यहाँ पे देखिए दो पद इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं थोड़ा और मैं इसको यहाँ पे ऊपर बढ़ाता हूँ तो टेक्नीशियन फील्ड में मेंटेनेंस के तहत यहाँ पे आईटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पंप ऑपरेटर तो ये पद भी इसमें यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए और टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट हैं तो इसमें टेक्नीशियन के तेईस पद इसमें रहेंगे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको क्वालिफिकेशन की भी दे देता हूँ तो देखिए पैरामेडिकल की जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की हो चाहे फार्मासिस्ट की हो चाहे फिजियोथेरापिस्ट की हो चाहे लैब टेक्नीशियन की हो चाहे रेडियोग्राफर की पोस्ट हो तो डिग्री कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे और डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अप्लाई आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे तो इसमें डिग्री से मतलब क्या है कि बी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करें साथ ही साथ जी डिप्लोमा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे देखिए फार्मेसिस्ट की पोस्ट है तो बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे डी फार्मा कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे ऐसे यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है तो लैब टेक्नीशियन के लिए बी एम एल टी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे डी एम एल टी कैंडिडेट्स भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए तो बीपीटी जो कैंडिडेट्स रहते हैं और डिप्लोमा जो डिग्री कैंडिडेट्स हैं आप लोग इसमें अप्लाई करें और रेडियोग्राफर में भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों कैंडिडेट्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ और भी पोस्ट हैं जैसे देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क की है तो इसमें सिर्फ बारहवीं कक्षा पास होना जरूरी है टाइपिंग की थोड़ी बहुत समझ आपको यहाँ पर होनी चाहिए इसके अलावा कुछ और इसमें आपको नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए इसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको बारहवीं कक्षा पास हो और आपको टाइपिंग की समझ होनी चाहिए और कंप्यूटर भी कोर्स इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है इसके बाद देखिए स्टोर कीपर की जो पोस्ट है तो स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए सिर्फ़ आपको बारहवीं कक्षा पास होना आपका ये जरूरी बोला गया है कोई और भी इसमें क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं चाहिए और मल्टी स्टाफ की जो पोस्ट है इसमें देखिए आप लोगों को टेंथ क्लास पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है और दसवीं कक्षा पास हो टेंथ स्टैंडर्ड पास है बिल्कुल अप्लाई करें और तीन साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें डिजायरेबल बोला गया है कंपलसरी आपको नहीं बोला गया है और यहाँ पे जो ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप लोग दसवीं कक्षा पास हो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और भी यहाँ पे देखिए इसमें पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए बारहवीं कक्षा आप लोग यहाँ पे पास हो और इसमें फिजिकल आप लोगों का लिया जाएगा तो इसमें आपको 25 किलोमीटर चार घंटे में कवर करना है हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए चेस्ट एक्सपेंशन आपका इतना होना चाहिए और ऐसे मेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया और ऐसे ही आपको यहाँ आप पर नीचे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया लोअर डिवीज़न क्लर्क की जानकारी ऑलरेडी मैं आपको यहाँ आप पे दे चुका हूँ और इसमें देखिए टेक्नीशियन जो फील्ड या फिर लैब रिसर्च की जो पोस्ट है इसमें जो तेईस पद है इसमें सिर्फ आप लोगों को बारहवीं कक्षा पास होना जरूरी है साइंस सब्जेक्ट में सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ ये आप लोगों की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और कोई भी अदर क्वालिफिकेशन इसमें आप लोगों को नहीं चाहिए और आई वाली जो पोस्ट है आई टी इलेक्ट्रॉनिक मेकोनिक पंप ऑपरेटर तो इसी फील्ड में आपको यहाँ पर आई आई की आपको यहाँ पर कोर्स आपको यहाँ पर चाहिए पड़ेगा बात करते हैं आपको अप्लाई कब करना है लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या रहेगी तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके थ्रू ही आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिलअप करने की जो डेट्स हैं देखिए बीस है, 20 दिसंबर दो तो देखिए बारह बजे से ये फॉर्म बना पे शुरू हो चुके हैं 19 जनवरी 2023 रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो 19 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है आप लोग अप्लाई करेंगे और इसके लिए एग्जाम आपका लिया जाएगा तो एग्ज़ाम की जानकारी भी इसमें आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है और दोस्तों इसमें आपको फ़ीस का पेमेंट भी करना होगा तो पंद्रह सौ रुपये का फ़ीस का पेमेंट उन कैंडिडेट्स को करना है जो कि जनरल ओबीसी और ई डब्ल्यू एस है सात सौ रुपये का फीस का पेमेंट उनको करना है जो ऐसी दस्तीस पी डब्ल्यू डी और फीमेल कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करेंगी तो ये आपको फ़ीस का पेमेंट ये आपको कंपलसरी करना होगा और तभी आपका जो है फाइनल फॉर्म आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप पे कवर की ऑल इंडिया वैकेंसी ये रहने वाली है आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप लोग इन वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे और ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इसी तरीके की वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो वीडियो के नीचे जाएँ सब्सक्राइब के राइट बटन को यहाँ पर क्लिक करें स्टाफ नर्सिस लेफ्ट टेक्नीशियन फार्मासिस्ट पैरामेडिकल स्टाफ की हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी बातें रहे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू सो मच